हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं हूं अरुण चौधरी और आप देख रहे हैं एसी स्टडी पॉइंट। तो बच्चों, आज की क्लास में हम करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 7 मैथ्स के चैप्टर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स के एक नई एक्सरसाइज 2.5। सो इससे पहले वाली क्लास में हमने ऑलरेडी एक्सरसाइज 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 कर चुके हैं और आज हम एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों, अगर आप उन प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखे हैं, प्रीवियस लेक्चर को नहीं देखे हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जा करके सारे लेक्चर एक वन बाय वन देख सकते हैं। ओके, तो बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.5। तो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्रेस करें बेल आइकन को भी, ताकि आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.5। तो देखिए बच्चों, जिस तरह की हमारा ये चैप्टर का नाम है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, तो हमने ऑलरेडी फ्रैक्शंस पार्ट को हैंडल कर लिया है और आज हम जो करेंगे डेसिमल स्टार्ट होगा हमारा, ठीक है। तो इस ये जो एक्सरसाइज है 2.5, ये पूरा आपका डेसिमल बेस है। तो थोड़े बहुत जो आइडिया देनी होगी, थोड़े कंसेप्ट जो देने होंगे हम बताएंगे और उसके साथ साथ हम इस एक्सरसाइज को भी सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जिस तरह के व्हिच इज ग्रेटर, तो यहाँ पर देखिए सारे जो है आपने पहले से पढ़ रखा है, क्लास 3, 4, 5 क्लास में आपने क्या डेसिमल्स आपका थोड़ा बहुत आप जानते ही हैं। तो यहाँ पर देखिए, आप रुपीस और पैसे को जब ऐड करते थे तब भी आप डेसिमल का क्या यूज अननोइंगली करते थे, पर आप उसी टेक्निक को, हम रुपीस पैसे वाला टेक्निक को भी यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे। आप क्लास 2 से हालांकि डेसिमल को हैंडल कर रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि आप डेसिमल कर रहे हो, ठीक है। जब रुपीज और पैसे को या किलोमीटर मीटर को हम जब ऐड करते थे, ठीक है, जितने भी वो एडिशन सम्स किलो में क्या आपकी रुपीज वाले और यूनिट वाले जितने भी आप एडिशन सम करते थे, वहां पर आप डेसिमल का इस्तेमाल करते थे। तो चलिए यहां पर देखते हैं व्हिच इज ग्रेटर। अब यहां पर रहा सवाल, देखिए ये एक डेसिमल है, ये एक डेसिमल है, सारे डेसिमल में दिया हुआ है। आपको यहां पर बताना है कि कौन सी डेसिमल यहां पर ग्रेटर है। तो डेसिमल को ग्रेटर क्या मतलब प्रूफ करने से पहले हम यहाँ पर एक चीज देखते हैं। हम इसे बहुत सारे प्रोसेस से कर सकते हैं। आपको मैं पहले से बताया था कि डेसिमल कैन बी चेंज इनटू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन कैन आल्सो बी चेंज इनटू डेसिमल। तो ये डेसिमल को आप फ्रैक्शन में चेंज करके भी आप ग्रेटर और स्मॉलर कर सकते हैं। और उसके बाद मैं एक बहुत इजी तरीका आपको बताऊंगा, जो कि आप वन स्टेप में आंसर आपको मिल जाएगा। तो पहले आप कंसेप्ट से मैं स्टार्ट करता हूं। देखिए जिस तरह से यहां पर 0.5 है, मैं यहां पर अगर लिख के आपको बताऊं तो ये देखिए 0.5 है, ठीक है, और ये क्या है 0.05। अगर इसे मैं डेसिमल में को फ्रैक्शन में करूं तो क्या होगा 5/10। अच्छा, फ्रैक्शन में चेंज करने का तरीका क्या होता है बच्चों, जितने भी डेसिमल के बाद में डिजिट होते हैं आप डिनोमिनेटर में वन में उतने ही जीरो लगा दो। यहां पर देखिए जिस तरह से ये है, पॉइंट के बाद क्या है आपके 0.5, तो मैं 0.5 लिखा, पॉइंट के बाद 5 था तो मैं यहां पर 5 लिखा, तो ये 0.5 मैंने 0.5 लिखा और वन में आपके देखिए डेसिमल के बाद दो डिजिट है तो मैं यहां पर दो जीरो लगा दिया, मतलब कि ये 5/10 हो गए और ये 5/ क्या हो गए 100। तो आप इसी से कंपेयर कीजिए, ये 10 से 5 है, ये 100 से 5 है। जब भी न्यूमरेटर सेम हो और डिनोमिनेटर अलग हो, ठीक है, तो जिसकी देखिए यहां पर डिनोमिनेटर क्या है 10 है, यहां पर डिनोमिनेटर 100 है, ये यहां पर देखिए न्यूमरेटर 5 है, न्यूमरेटर 5 है, मतलब कि अगर न्यूमरेटर सेम हो तो जिसकी डिनोमिनेटर कम होते हैं वही फ्रैक्शन बड़ा होते हैं। दोबारा से समझिए बच्चों, कंसेप्ट समझेंगे तो हम यह कर पाएंगे। मतलब अगर न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो जिसकी डिनोमिनेटर छोटी है वही फ्रैक्शन बड़ी है। मतलब आप एक ऐसे ही एक समझ लो बात, सिंपल सी, मतलब मान लो कोई एग्जाम हुआ, आपके मैथ्स का टेस्ट हुए, ठीक है, यूनिट टेस्ट हुए, तो आप 10 से 5, एक बच्चा स्कोर किया 10 से 5, ओके 5 आउट ऑफ 10, यहां पर 5 आउट ऑफ 100,
तो ऐसी जाहिर सी बात है, देखिए ये 10 मार्क्स के एग्जाम में 5 स्कोर करता है, ये 100 मार्क के एग्जाम में भी 5 स्कोर कर रहा है, मतलब कि ये वाले ज्यादा, ये 50% मार्क है, 10 से 5 मतलब 50%, और ये 5% मार्क, ये 50% मार्क, ये 5% मार्क। अच्छा और एक चीज बच्चों देखिए, हम जिस तरह से आपको बोले थे कि डेसिमल कैन बी चेंज इनटू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन कैन आल्सो बी चेंज इनटू क्या, परसेंटेज। तो यहाँ पर और एक चीज कंसेप्ट आ जाता है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं बच्चों। तो यहाँ पर अगर हम परसेंटेज के हिसाब से देख ले तो ये 50% है आपकी, यहाँ पर 100% है, तो 50% वाले बड़े हुए हैं। तो ये कंसेप्ट लगा के भी आप यहाँ पर कर सकते हो, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप ये तो ठीक है, हम कंसेप्ट वाली बात बताएं, लेकिन आपको मैं और एक इजी तरीका बताता हूँ जो आपको पता होगा, पता है, और उससे हम करेंगे। अच्छा देखिए, ये जो है पॉइंट के बाद एक डिजिट है, पॉइंट के बाद एक दो डिजिट है, तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, पॉइंट जो है पॉइंट के बाद सेम डिजिट कर ले ताकि हम कंपेयर कर पाए। अच्छा इसको हम लिख सकते हैं 0.50 और ये हम लिख सकते हैं 0.05, क्लियर है। मतलब कि पॉइंट के बाद में दो डिजिट, पॉइंट के बाद में दो डिजिट, कंपेयर करने के लिए मैंने इस तरह से लिख लिया। तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि आप इसके बाद जितने भी जीरो लिखो उसकी कोई वैल्यू चेंज नहीं होती। अब इसको रुपीज और क्या पैसे फॉर्म में लाइए, रुपीज और पैसे फॉर्म में लाइए। तो ये 0 रुपीज 50 पैसे, ये 0 रुपीज 5 पैसे, कौन सी बड़ा हो गया आप खुद बता सकते हो। ये 0 रुपीज है, 50 पैसे है, ये 50 पैसे, ये 5 पैसे, तो 5 पैसे बड़े हैं ना, 50 पैसे बड़े, तो 50 पैसे बड़े, मतलब कि ये हम ग्रेटर लगा सकते हैं, क्लियर है। मतलब कि 0.5 इज ग्रेटर देन 0.05। तो हम यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, ये तो हम अपने सुविधा के लिए लिखे थे, क्या जीरो लगाए थे, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से अगर लिखें तो 0.5 इज ग्रेटर देन 0.05, ये हमारा पहला आंसर निकल के आ गया। यहाँ पर अगर हम देखें, देखिए ऑलरेडी पहले से पॉइंट के बाद एक डिजिट है, यहाँ भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है, और ये क्या है, जीरो है। तो जीरो और जीरो लेफ्ट साइड में तो जीरो जीरो है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब 0 रुपीज 7 पैसे, 0 रुपीज 5 पैसे, कौन से बड़े होंगे, 7 पैसे बड़े ना 5 पैसे, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट कर सकते हैं 0.7 इज ग्रेटर देन 0.5। ये पूरा ईजी तरीका है, ठीक है। इससे और इजी तरीका नहीं है, आप इसको फिर कन्वर्ट करके फ्रैक्शन में करके भी आप कर सकते हो, फ्रैक्शन करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भी आप कर सकते हो, बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, पर यहां पर मैं आपको जो कंसेप्ट बता रहा हूं वो बहुत इजी तरीका है। अच्छा यहां पर देखिए 7 है और ये 0.7, इसको अगर रुपीज और क्या हम पैसे फॉर्म में लाए या फिर हम इसको डेसिमल में चेंज करें तो कैसे होगा, ये 7 रुपीज मान लीजिए 0.00 पैसे और ये आपके हो जाते हैं 0 रुपीज 70 पैसे। क्यों मैंने ऐसे लिखा, क्योंकि डेसिमल के बाद अगर रुपीज और पैसे में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं, आपके रुपीज कॉलम में क्या डेसिमल से पहले रुपीज कॉलम होते हैं और डेसिमल के बाद पैसे कॉलम होते हैं, और पैसे कॉलम में आपके दो डिजिट होते हैं, तो यहां पर हम दो डिजिट पहले से बना दिए ताकि हमें कंपेयर करने में सुविधा हो। अच्छा आप इस तरह के रुपीज पैसे में आप 3 डिजिट भी ले सकते हो, आपको जब क्या कन्वर्ट करना होता है कि कौन से डेसिमल बड़े हैं कौन से डेसिमल छोटे हैं, मैं आगे आपको और भी बताऊंगा कंसेप्ट। तो इसे हम, मैंने इसे क्या किया, इस तरह के फॉर्म में लिख दिया रुपीज और पैसे कॉलम में, लेकिन आप यहां पर रुपीज मत लिखना बच्चों, ये बस आपको कंसेप्ट के लिए, अगर रुपीज लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, बस कंसेप्ट दे रहा हूं यहां पर कि इस तरह से आप इजीली कर सकते हो, क्योंकि यहां पर वो बोला नहीं आपको रुपीज और पैसे में कन्वर्ट कीजिए, आप बस क्या इमेजिन कीजिए कि ये अगर 7 रुपीज को मैं 7.00 लिख सकता हूँ, 7 है तो 7.00 मैं डेसिमल में, मैं आपको पहले ही बताया था डेसिमल में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, यहाँ पर 0.7 था तो इसके आगे मैं 0 लगा के क्या किया, डेसिमल के बाद वाली जो डिजिट था सेम नंबर ऑफ डिजिट कर दिया। अब यहाँ पर हम देखेंगे 7 रुपीज 00 पैसे, ये 0 रुपीज 70 पैसे, तो जाहिर सी बात है इसके पास तो कुछ रुपीज है नहीं, यहाँ पर 7 रुपीज है तो 7 रुपीज वाले बड़े होंगे, मतलब हमारे क्वेश्चन के हिसाब से अगर देखें तो 7 इज ग्रेटर देन क्या 0.7, क्लियर है। इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं इजीली। अच्छा यहां पर देखिए, इसे ऑलरेडी 1 रुपीज 37 पैसे, अगर हम इसको क्या रुपीज पैसे में अगर हम उसको शिफ्ट करें या कंपेयर करें तो ये 1 रुपीज 37 पैसे हो जाएंगे, 1 रुपीज 49 पैसे हो जाएंगे, तो कौन सी बड़े हो गए आपके, देखिए यहां पर 1.49 इज ग्रेटर देन 1.37, ठीक है। तो यहां पर देख लेते हैं,
1.49 इज ग्रेटर देन 1.79, इसको 49 नहीं पढ़ते बच्चे, जब डेसिमल के बाद पढ़ते हैं तो 49 पढ़ते हैं, तो 1.49 इज ग्रेटर देन 1.37। आप रुपीज ये लिखने की जरूरत नहीं है, कभी मत लिखिएगा, क्योंकि यहाँ पर रुपीज की बात बिल्कुल नहीं की जा रही है। अच्छा, इसके बाद देखिए ये वाला, इसको अगर हम रुपीज पैसे में कन्वर्ट करें तो क्या होगा, 2 रुपीज 03 पैसे, ये 2 रुपीज 30 पैसे, तो कौन सी बढ़ेंगे, ये 2 रुपीज है, ठीक है, ये 3 पैसे है, ये 30 पैसे, मतलब 30 पैसे वाले बड़े हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2.30 इज ग्रेटर देन 2.03, क्लियर है। अच्छा, यहाँ पर देखिए बच्चों ये वाला क्या है, इसको अगर हम कंपेयर करें तो हम लिख सकते हैं 0.80 और यहाँ पर 0.88। मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो मैं 0 डाल करके उसे 2 डिजिट कर दिया ताकि मैं कंपेयर कर सकूँ। अब देखिए यहाँ पर ये 0 रुपीज 80 पैसे, 0 रुपीज 88 पैसे, तो कौन से बड़े हो गए, ये 80 पैसे है, 88 पैसे, मतलब ये वाले बड़े हैं, मतलब कि ये लेस है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, व्हिच इज ग्रेटर, तो हमारे अगर क्वेश्चन के हिसाब से हम जाएं तो हम लिखेंगे 0.88 इज ग्रेटर देन 0.8, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर डेसिमल को सेम यूनिट क्या सेम डिजिट डेसिमल के बाद जो डिजिट होते हैं उसे सेम नंबर ऑफ डिजिट कर दिया ताकि कंपेयर कर पाए। यहाँ 0 रुपीज़ है और ये 80 पैसे है, 0 रुपीज़ है, 88 पैसे है, तो हम जाहिर सी बात है जो 88 पैसे है वो बड़े हैं, तो हम जब क्वेश्चन के हिसाब से हम लिखना चाहेंगे और व्हिच इज ग्रेटर लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे, 0.88 इज ग्रेटर देन 0.8, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर इस तरह से हमारा नंबर 1 सॉल्व हो जाता है। नंबर 2 को देखते हैं, एक्सप्रेस एज रुपीज यूजिंग डेसिमल। देखिए बच्चों, जो कंसेप्ट मैंने यहाँ दिया था उसी कंसेप्ट को यहाँ इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, एक्सप्रेस एज रुपीज यूजिंग डेसिमल, आप यहाँ पर रुपीज में लिखिए और डेसिमल का इस्तेमाल कीजिए। तो यहाँ पर देखिए 7 रुपीज है, 7 पैसे है, तो 7 रुपीज को हम क्या लिख सकते हैं, रुपीज। अच्छा, 1 रुपीज इक्वल टू कितने पैसे, 100 पैसे, तो 7 पैसे इज इक्वल टू 7/100 रुपीज, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 7/100 कर देंगे, ठीक है, 7/100 रुपीज हो जाएंगे। अच्छा, 7/100 को हम, मैंने अभी तो फ्रैक्शन में किया इसको, हाँ आपको इजी हो इसलिए मैंने फ्रैक्शन में किया, लेकिन सवाल क्या है यहाँ पर, आप यहाँ पर एक्सप्रेस कीजिए यूजिंग डेसिमल, क्योंकि हम डेसिमल को हैंडल कर रहे हैं बच्चों, ये चीज़ आप माइंड में रखिए, तो इसलिए हम यहाँ पर इसको डेसिमल में करके छोड़ेंगे, फ्रैक्शन में करके नहीं छोड़ेंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा, जब हम 7 पैसे को, और एक बार समझिए, हम यहाँ पर 7/100 में क्यों किया, क्योंकि आपके पैसे और जो रुपीज़ है उनका रिलेशन क्या है, 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 पैसे, तो जितने भी पैसे होंगे उसको अगर रुपीज़ में कन्वर्ट करना होगा तो हम डिवाइडेड बाय 100 करते हैं, क्योंकि 1 रुपीज़ इक्वल टू 100 पैसे होते हैं। अच्छा, अब तो ये रही बात हमारी फ्रैक्शन में हो गए, इसे हम डेसिमल में करेंगे, तो ये क्या होगा, 2 0 है, तो हम 2 डिजिट के बाद न्यूमरेटर में 2 डिजिट के बाद 0 पॉइंट लगाते हैं, मतलब कि ये 7 तो पहले से है, यहाँ पर आपको 100 में क्या है, 2 0 है, तो आप फ्रैक्शन को डेसिमल में जब भी करते थे, शिफ्ट करते थे, तो याद कीजिए कैसे करते थे, जितने 0 है न्यूमरेटर में उतने डिजिट के बाद हम डेसिमल को फिक्स करते थे, तो क्योंकि यहाँ पर 2 डिजिट है, यहाँ पर ऑलरेडी 1 डिजिट था और 1 डिजिट नहीं है, तो हम उसे रिप्लेस करेंगे 0 दे करके और यहाँ पर ये पॉइंट डालेंगे, थोड़े यहाँ पर मैं यहाँ पर लिखता हूँ बच्चों, तो ये 0.7 इस तरह से करेंगे हम, 2 डिजिट है तो मैंने 2 डिजिट के बाद में डेसिमल को फिक्स किया, ऑलरेडी 7 पहले से था और इसके बाद 1 डिजिट और चाहिए था मुझे, तो मैं 0 देके उसे बैलेंस किया। उसके बाद यहां पर कुछ नहीं रहता, तो एक बेसिक सी बात होती है कि पॉइंट से पहले अगर डेसिमल से पहले कुछ नहीं होता है तो हम 0 देकर रिप्रेजेंट करते हैं कि पॉइंट से पहले कुछ भी नहीं है, तो हम यहां पर 0 देकर के इसको रिप्रेजेंट करें, इसका कोई वैल्यू नहीं है, आप सिर्फ 0.07 भी लिख सकते हो, लेकिन एक 0 डाल देने से क्या होता है, हाँ इसके पीछे और कुछ भी डिजिट नहीं है ये पता चलता है। अच्छा, क्योंकि रुपीज सिंबल था तो हम रुपीज सिंबल यहाँ पर डाल देंगे, रुपीज 0.07, तो 7 पैसे हमारा कन्वर्ट होकर हो गए 0.07। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रुपीज़ में कन्वर्ट करने बोला था तो हमने रुपीज़ में कर दिया, और डेसिमल में से क्या रिप्रेजेंट करो तो मैंने डेसिमल में भी कर दिया। अच्छा, यहाँ पर देखिए 7 रुपीज़ 7 पैसे, डायरेक्ट हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 7 रुपीज़। अच्छा, 7 पैसे को हमने ऑलरेडी कन्वर्ट किया था, कितना होते थे हमारे 0.7, तो मैंने यहाँ पर 0.7 लिख दिया, 7 रुपीज़ 0.7
7.07, तो रुपीज में भी कन्वर्ट हो गया और डेसिमल में भी कन्वर्ट हो गया। एक बार और समझिए, 7 रुपीज, तो डेसिमल से पहले जितने भी रुपीज होते हैं हम डेसिमल से पहले लिखते हैं, डेसिमल के बाद क्या करते हैं हम, जब पैसे कॉलम में हमारा 2 ही डिजिट हो सकता है बच्चों, 99 पैसे तक हो सकता है, उसके बाद अगर हो जाते हैं तो 100 पैसे माने 3 डिजिट हो जाते हैं, तो 3 डिजिट हम पैसे कॉलम में कभी भी नहीं लिखते हैं, 3 डिजिट हम नहीं लिखते हैं। अगर 1 डिजिट है तो उसे हम 2 डिजिट बना के ही लिखेंगे, 7 पैसे है मतलब कि हम 07 लिखेंगे, 70 पैसे है तो हम 70 लिखेंगे, लेकिन 7 पैसे 3 पैसे अगर है तो 03 लिखेंगे, 7 पैसे तो 07, क्यों, क्योंकि डेसिमल के बाद पैसे कॉलम में हम 2 डिजिट लिखते हैं, 2 डिजिट लिखते हैं, तो डेसिमल के बाद हम क्या करेंगे 07 लिखेंगे, 7 पैसे को हम 07 लिखेंगे ताकि 2 डिजिट बन जाए। जब भी हम पैसे का इस्तेमाल करेंगे, पैसे को हम रिप्रेजेंट करेंगे तो 2 डिजिट से हम इस्तेमाल क्या रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस बात को आप भूलिएगा मत बच्चों। आप अगर 7.7 लिख दिए तो गलत हो जाएगा, 7.7 का मतलब 7 रुपीज 70 पैसे हो जाता है, क्योंकि 7 पैसे मतलब डबल डिजिट करेंगे तो 01 डालेंगे तो 70 हो जाएगा, तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। अच्छा यहां पर देखिए 77 रुपीज 77 पैसे, तो ये डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 77 रुपीज और 77 पैसे, रुपीज कॉलम में हमने यहां पर लिख दिया, ऑलरेडी 77 दो डिजिट का पैसा था, 2 डिजिट का हमने यहां पर लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फटाफट हो जाएगा। इसके और सारे बहुत आपके क्या लॉन्ग प्रोसीजर भी है, 1 रुपीज इक्वल टू 100 पैसे, छोटे छोटे क्लास में आप ऐसे करते हैं, लेकिन यहां पर आप कर सकते हो, 1 रुपीज इक्वल टू 100 पैसे, फिर 77 रुपीज इक्वल टू कितने पैसे, फिर यहां पर 77 पैसे इक्वल टू कितने रुपीज माने 77/100, ऐसे करके हम लंबे चौड़े प्रोसेस में भी कर सकते हैं, पर यहां पर इजीली हम देखते हैं रुपीज वाले कॉलम को डेसिमल से पहले और पैसे वाले को हम डेसिमल के बाद रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर देखिए 50 पैसे, तो हम क्या लिख सकते हैं इक्वल टू यहां पर रुपीज 50 पैसे, तो यहां तो रुपीज कुछ भी नहीं है, मतलब कि हम क्या लिख सकते हैं, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं 50/100, जिस तरह से मैं बता रहा था रुपीज में कन्वर्ट करें तो 50/100 लिख सकते हैं। इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं, यहां पर देखिए ये 20 है तो 2 के बाद हम पॉइंट लगाएंगे, मतलब कि इस तरह से हम लगा सकते हैं, ठीक है, 505 है, यहां पर हम डेसिमल दे दिए, इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से ₹0.50 और ₹0.5 भी लिख सकते हैं हम यहां पर इस तरह से ₹0.5, क्यों, क्योंकि 5 के बाद जो है 0 उसकी वैल्यू कुछ नहीं होती है, हम उसको ओमिट भी कर सकते हैं, हम 0.50 भी लिख सकते हैं, 0.5 भी लिख सकते हैं। तो मैंने ये तरीका भी आपको बता दिया, यहां पर डायरेक्ट मेथड भी बता दिया और ये वाली भी बता दिया, आप अगर जिस तरह से देख लेना कि आपको अगर कंसेप्ट मांग रहा है कि आपको क्या एक्सप्लेन करके लिखना है या मार्क के वेटेज के हिसाब से, आप इस तरह से भी प्रोसीड कर सकते हैं, क्लियर है। अच्छा उसके बाद आप आगे आते हैं 235 पैसे, तो मैंने यहां पर 235 पैसे को हम मैं क्या कर सकता हूं 235/100 रुपीज कर सकता हूं। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि 1 रुपीज इक्वल टू 100 पैसे, जितने पैसे है 100 से डिवाइड कर दो रुपीज निकल आएगी, तो यहां पर हम क्या करेंगे देखिए ये रुपीज, उसके बाद ये 2 डिजिट है आपके 20 है, तो 2 डिजिट के बाद आप डेसिमल को फिक्स कीजिए, मतलब कि यहाँ पर 2.35, ठीक है, इस तरह से हो गया, तो रुपीज को पैसे को हमने रुपीज में कन्वर्ट कर दिया और डेसिमल में भी कन्वर्ट हो गया। चलिए अब आते हैं हमारा नंबर 3 की तरफ, थोड़ा बच्चों इसको ध्यान से देखिएगा, एक्सप्रेस 5 सेंटीमीटर इन मीटर एंड किलोमीटर, यहां पर एक्सप्रेस 35 मिलीमीटर इन सेंटीमीटर मीटर एंड किलोमीटर, तो इसको कन्वर्शन को थोड़ा और याद दिला दे, तो आप क्लास 5 में पढ़े हो फिर भी मैं थोड़ा सा बेसिक आइडिया दे देता हूं, सेंटीमीटर और मीटर जब भी हो तो कैसे रिलेट, ये जो सेंटीमीटर मीटर और किलोमीटर किस तरह से रिलेशन में है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, फिर से सुनिए, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो हमें पूछा है यहां पर 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये क्या है 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को हमें मीटर में करना है, तो जब भी मीटर में करना हो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, तो जब सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो हमें 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब कि ये हो जाएगी 5/100 मीटर,
एक बार और समझिए, सेंटीमीटर को अगर मीटर करना हो तो क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, तो जो भी सेंटीमीटर दिया हुआ होगा उसको 100 से अगर डिवाइड कर दे तो मीटर में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, इसको अगर हम मीटर में कन्वर्ट करें तो डेसिमल, क्योंकि डेसिमल है, हम डेसिमल में छोड़ेंगे, फ्रैक्शन में तो छोड़ेंगे नहीं, तो ये क्या है, 2 डिजिट है, यहाँ पर 2 जीरो है, तो हम न्यूमरेटर में 2 डिजिट के बाद डेसिमल को फिक्स करेंगे। तो 5 तो पहले से है और 1 जीरो यहाँ पर कम है, तो हम 1 जीरो यहां पर डाल के मेकअप किए, और ये पीछे तरफ 1 जीरो लगाना बेसिक क्या मेथड है, मैंने आपको यहां पर पहले ही बता दिया था। तो ये हमारा मीटर में कन्वर्ट हो गया, इसी चीज को यही मीटर में कन्वर्ट हो गया था, लेकिन ये क्या है हमारा, आपका जो रिप्रेजेंट हम किए फ्रैक्शन में किए, क्योंकि ये डेसिमल चैप्टर है तो हम सारे चीज़ को डेसिमल में ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो वह फ्रैक्शन को हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मैंने आपको बताया था, बस 2 जीरो है तो 2 डिजिट के बाद न्यूमरेटर में आप डेसिमल को फिक्स कीजिए। अच्छा, उसके बाद क्या है, इक्वल टू, अब देखिए ये जो है हमारा किलोमीटर में करना, तो अगर मीटर को किलोमीटर में करें, मीटर को किलोमीटर में करें तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, तो जितनी मीटर है डिवाइडेड बाय 1000 कर दीजिए, आपकी किलोमीटर निकल जाएगा, मतलब कि ये आपके निकल जाते हैं 0.05 डिवाइडेड बाय 1000, ये हो गए आपके किलोमीटर। जितने भी मीटर थे, जितने भी सेंटीमीटर थे 100 में डिवाइड करो तो मीटर हो जाते हैं, जितने भी मीटर हैं 1000 से डिवाइड करो तो किलोमीटर हो जाते हैं। अब देखिए ये फ्रैक्शन में आया, हम फ्रैक्शन में छोड़ नहीं सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसे डेसिमल में क्या चेंज करेंगे, तो देखिए 1 2 3, 1 में आपकी 3 जीरो है तो डेसिमल को भी 3 स्टेप आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए ये यहाँ पर आपकी 0.5, तो यहाँ पर डेसिमल है, तो डेसिमल को हम 3 स्टेप अगर आगे बढ़ाते हैं, थोड़े और स्पेस ले लेता हूँ, ठीक है, 0.05 तो डेसिमल के बाद 0.5 है ही। अच्छा, यहाँ पर डेसिमल फिक्स है तो डेसिमल को मैं 3 स्टेप पीछे लूँगा, मतलब कि यहाँ पर और तो डिजिट है नहीं, मैं 3 जीरो यहाँ पर देके मेकअप करूँगा, मतलब यहाँ पर 1 2 3 ये वाली, तो यहाँ पर 0 ऐसे आप लिख सकते हो, तो हम यहाँ पर लिख दें किलोमीटर, मतलब कि ये जो आपकी मीटर थी मीटर को किलोमीटर में भी कन्वर्ट करना था, तो जितनी मीटर हो उससे हम 1000 को अगर डिवाइड कर दें तो किलोमीटर निकल जाएगी। अच्छा, अब तो ये फ्रैक्शन में निकल गया, फ्रैक्शन को फिर हम शिफ्ट करेंगे डेसिमल में, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर बीट टू की तरफ, बीट टू में क्या है, यहाँ पर आपको करना क्या है, एक्सप्रेस 35 मिलीमीटर इन सेंटीमीटर मीटर एंड किलोमीटर, तो ये जो 35 मिलीमीटर है इसे अगर हम सेंटीमीटर में करें, तो एक बार और समझ लीजिए, आपकी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, ठीक है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। फिर से सुनिए, ये क्या है आपकी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर होती है, 1 मीटर इज इक्वल टू आपकी 100 सेंटीमीटर होती है, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होती है। तो कैसे हम आगे बढ़ेंगे, देखिए मिलीमीटर है, मिलीमीटर को सेंटीमीटर करना है, मतलब कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, तो जो भी मिलीमीटर है 10 से अगर डिवाइड कर दें तो हम सेंटीमीटर में निकल जाएगा, तो हम ये क्या करेंगे 35/10 करें तो ये हमारी हो जाएगी सेंटीमीटर में कन्वर्ट, 35/10 करो तो सेंटीमीटर में। अच्छा, 35/10 को हम तो फ्रैक्शन में छोड़ नहीं सकते, 1 जीरो है तो हम 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, मतलब ये हो जाएगी हमारी 3.5 क्या सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। अच्छा, अब सेंटीमीटर को हमें क्या करना है, मीटर में करना है, तो 1 मीटर इज इक्वल टू क्या 100 सेंटीमीटर, मतलब जितनी सेंटीमीटर है उससे अगर 100 से डिवाइड करें तो वो आपकी मीटर में हो जाती है, तो ये क्या है 3.5 डिवाइडेड बाय अगर 100 कर दें तो वो हो जाएगी हमारी मीटर में। सेंटीमीटर को मीटर में करने का क्या तरीका है, 100 से डिवाइड करो, क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होती है। अच्छा, यहाँ पर भी फ्रैक्शन आ गया, हम फ्रैक्शन में छोड़ नहीं सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको डेसिमल में करेंगे। अच्छा, 2 डिजिट यहाँ पर है तो हम डेसिमल को 2 प्लेस पीछे करेंगे, मतलब 3 ऑलरेडी है और 1 जीरो हम लगाएंगे, मतलब कि 0.35, ठीक है ये वाली, तो यहाँ पर हो जाएंगे हमारे ये मीटर।
ठीक है, पीछे तरफ जो मैं जीरो लगाया वो क्या यूं ही, मतलब एक बेसिक मेथड है कि जीरो लगानी चाहिए डेसिमल के पहले कुछ ना हो तो। अच्छा, इसके बाद ये मीटर, मीटर को अगेन हमें किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। तो जितनी मीटर है आपकी, यहाँ पर हम अगर करें 0.035 डिवाइडेड बाय 1000, ये हमारी हो जाती है किलोमीटर। जितनी मीटर है डिवाइड करो 1000 से तो वो किलोमीटर हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पर फ्रैक्शन निकल के आया, फ्रैक्शन तो हम छोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि डेसिमल हम कर रहे हैं, तो डेसिमल में चेंज करेंगे 1, 2, 3, 3 डिजिट है तो हम 3 डिजिट क्या करेंगे, 3 प्लस ये डेसिमल को पीछे लाएंगे। अच्छा, ऑलरेडी हमारे पास ये 0 ठीक है 3, 5 तो डेसिमल के बाद है ही, इसके पीछे हम और 3 जीरो लगाएंगे ताकि ये 3 जीरो मेकअप हो। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 1, 2, 3 यहाँ पर पॉइंट डाल देंगे, इससे पहले तो पॉइंट के पहले हम 0 डालते ही हैं, तो ये हमारे हो जाते हैं किलोमीटर। ठीक है, तो इस तरह से हमारा नंबर 3 सॉल्व हुआ। अब नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, एक्सप्रेस इन केजी। अच्छा, केजी में भी क्या है, 1 केजी इज इक्वल टू 1000 ग्राम। जितनी केजी डिवाइड बाय 1000, जितनी ग्राम डिवाइडेड बाय 1000 करें तो वो हो जाएगी हमारी केजी। मतलब एक्सप्रेस इन केजी मतलब 200 ग्राम है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू 200 बाय 1000 केजी। जितनी आपकी क्या, जितनी ग्राम उसमें 1000 डिवाइड करो तो केजी, क्योंकि 1 केजी इज इक्वल टू 1000 ग्राम। अच्छा, ये देखिए 2 जीरो है, यहाँ पर 2 जीरो है, मैंने काट दिया, ये हमारा निकल के आता 2/10 केजी। अच्छा, 2/10 केजी क्योंकि यहाँ पर फ्रैक्शन निकल गया, हम इसे डेसिमल में लिखना चाहते हैं, डेसिमल में लिखना पड़ेगा, तो ये क्या 1 जीरो है, मतलब ये न्यूमरेटर के एक डिजिट के बाद हम क्या करेंगे डेसिमल को लगाएंगे, मतलब कि ये 0.2 ऐसे हो जाएगा। अच्छा, इसके पीछे कुछ नहीं है तो हम 0.2 लिखेंगे, यहाँ पर ऐसे हम केजी लिख देंगे, हो गया। अच्छा, यहाँ पर भी इस तरह से हम अगर इसको करना चाहें तो क्या करेंगे, 3 यहाँ पर हो जाएगा 3470/1000 केजी। जितनी ग्राम डिवाइडेड बाय 1000 कीजिए वो केजी हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर देखिए 1, 2, 3 तो 1, 2, 3 3 के बाद पॉइंट लगाते हैं, 3.470 केजी। और ये जीरो का हम ना भी लिखे तब भी चलेगा, मैं बोला था डेसिमल के बाद अगर आखिरी में जीरो है तो उसको हम ओमिट कर सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 3.47 केजी। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखिए कैसे है ये वाला, ये जो है ये 4 केजी तो पहले से है ही, केजी को कुछ करना ही नहीं है हमें, यहाँ पर केजी में कन्वर्ट करना हमें तो मतलब है ग्राम से, तो ये 8 ग्राम को हम लिख सकते हैं 8/1000 ग्राम, 8/1000 केजी, यहाँ पर हम केजी लिखेंगे, ये तो पहले से केजी था, केजी को हम ऐसे ही छोड़ सकते हैं और ये ग्राम को हम केजी में करेंगे। अच्छा, इसके बाद हम ये क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 4 केजी प्लस ये देखिए, ये फ्रैक्शन को डेसिमल में करेंगे तो 1, 2, 3 3 डिजिट है यहाँ पर, तो हम 3 डिजिट के बाद न्यूमरेटर में डेसिमल को डालेंगे, ऑलरेडी पहले से 8 था और हम 2 डिजिट डाल के इसको मेकअप करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा इतना केजी निकल के आता है। अब इसे हम प्लस कर देते हैं तो 4 केजी और 0.008 मतलब कि 4.008 केजी, क्लियर है। अच्छा, आगे आते हैं, यहाँ पर राइट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर इन द एक्सपांडेड फॉर्म। अच्छा बच्चों, अगर ये आपका हो गया हो तो मैं इसे क्लियर करता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये लिखने के लिए थोड़े या मुझे स्पेस की प्रॉब्लम हो सकती है, तो मैं यहाँ पर इसे क्लियर करता हूँ। ठीक है, तो बच्चों चलिए अब हम देखते हैं हमारा नंबर 5। ओके, तो नंबर 5 में क्या है देख लेते हैं, यहाँ पर क्या है, राइट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स इन द एक्सपांडेड फॉर्म। आपने ऑलरेडी एक्सपांडेड फॉर्म को हैंडल किया है छोटी क्लास में, लेकिन आप होल नंबर को एक्सपांड कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पर हम डेसिमल नंबर को एक्सपांड करेंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बेसिक के साथ साथ आपको कंसेप्ट दूंगा, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये जिस तरह से हमारा 20.03, तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं, जिस तरह से मैं आपको बताऊं कि अगर हम 252 है, 252 तो इस तरह के नंबर आप किए थे, तो आप कैसे सॉल्व करे थे, इसे अगर हम पढ़े तो 200 5 10 2 1, हम कैसे पढ़ सकते हैं 252 को जब रिप्रेजेंट करते हैं एक्सपांडेड फॉर्म में, तो 200 मतलब कि 2 × 100 प्लस, इसको हम अगर ऐसे लिखें 200 + 50 + 2, इस तरह से हम लिख सकते हैं। जब एक्सपांड करते हैं 252 को, तो हम क्या करते हैं, पहले 100 फिर 10s फिर 1s, मतलब इसमें कितने 10s हैं, 2 आपके कितने 100 हैं, 200 हैं, 5 10s है, 2 1s है, तो हम जब रिप्रेजेंट करते हैं 2 × 100 + 5 × 10 प्लस
2 into 1, 2 into 1, इस तरह से हम करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से हम यहां पर भी आपका रिप्रेजेंट करेंगे। इसको डेसिमल से पहले तो हमारा इसी फॉर्म में होगा, लेकिन इसके बाद जब हो जाते हैं तो पहले वाले को हम क्या करते हैं, डेसिमल के बाद जो होते हैं उसे हम टेंथ मानते हैं, और उसके बाद वाले को 100। जैसे यहां पर हम इसको 1 मानते हैं, इसको टेंथ मानते हैं, इसको 1 है, उसके बाद 10 है, 100 है, लेकिन जब डेसिमल से आगे जाते हैं तो पहले वाले को हम टेंथ, मतलब कि 1/10, इसे 1/100, सेकंड वाले को 1/100, इस तरह से करते हैं। अच्छा ठीक है, फिर भी और करते वक्त मैं आपको और भी बेसिक बताऊंगा, ये थोड़े से बस आइडिया दे दिया ताकि सॉल्व करते वक्त आपको थोड़ा इजी हो सके। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। अच्छा ये देखिए, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, ये तो बीट वन है, 20 मतलब डेसिमल से पहले 20 है, तो 20 तो आप जानते हो होल नंबर का रिप्रेजेंट, मतलब कि 20 मतलब कितने टेंस है, 2 into 10, 2 into 10 लिख सकते हैं, मतलब कि 20 मतलब 2 tens और 0 ones, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम यहां पर 0 into 1, मतलब यहां पर 10 कितने हैं, 2 tens है, तो 2 into 10 लिख दिया मैं, वंस कितने हैं, 0 ones है, तो 0 into 1 मैंने लिख दिया। अच्छा डेसिमल की बाद की अब बात करें तो पॉइंट के बाद जो है जीरो, तो उसको हम क्या करते हैं, 0 into 0 है, मतलब 0 into, यहां पर अगर 2 था तो 2 into किए, 0 था तो 0 into किए, यहां पर भी 0 है तो 0 into करेंगे, लेकिन है क्या इस पोजिशन, ये है हमारे 1/10, मैंने आपको पहले ही बताया था, तो ये क्या लिखेंगे हम 1/10, क्योंकि डेसिमल के बाद पहले वाले जो डिजिट होते हैं वो 1/10 होते हैं, दूसरे वाले जो डिजिट होते हैं 1/100 होते हैं, तीसरे वाले जो होते हैं 1000 होते हैं। अच्छा 10th प्लेस की अगर बात करें तो कितने है, 3 है, तो हम 3 लिखेंगे यहाँ पर, 3 into, इसकी पोजिशन क्या है, 100th, मतलब कि 1/100 हो गए हमारे एक्सपांडेड फॉर्म में, बहुत इजीली हम कर सकते हैं इसको। अच्छा सेकंड बिट को अगर हम देखें तो सेकंड बिट को अगर हम देखते हैं तो 2.03, यहां पर क्या है 2.03। अच्छा इसे अगर एक्सपांड करें तो डेसिमल से पहले तो हमारे होल नंबर जैसे ही होते हैं, तो ये क्या है 2 ones है, मतलब कि यहां पर हम 2 into 1 लिखेंगे, 2 ones, ठीक है, 10 तो है नहीं, मतलब कि 0 tenth है, 10 तो इसके पीछे कुछ नहीं है, तो हम 2 into 1 लिखेंगे। अच्छा ये वाली पोजीशन क्या है, 0, तो 0 into क्या है, ये 10th कॉलम है, मतलब कि 1/10, तो हम यहां लिखेंगे 1/10 प्लस ये 3 into 3 की इसकी पोजीशन 100th, मतलब कि 1/100, यहां पर हम लिखेंगे 1/100, क्लियर है, बहुत इजीली सॉल्व हो रहा। अच्छा बीट 3 की तरफ बढ़ते हैं, बीट 3 में क्या है 200.03। अच्छा यहाँ पर देखिए, अगर इसको हम देखें डेसिमल से पहले तो ये हमारे होल नंबर जैसे हैं, इसको हम मैंने क्लास 2 के स्टैंडर्ड से करते आ रहे हैं, तो ये कितने 100 है, यहाँ पर 200, मतलब कि 2 into 100 प्लस टेंस कितने हैं, 0 tens है, मतलब कि 0 into 10 प्लस वंस कितने हैं, 0 ones है, मतलब कि 0 into 1, ठीक है। उसके बाद पॉइंट के बाद हमारा ये आता है, यहां से टेंथ स्टार्ट होता है, 10th कितने है, 0 tenth, तो 0 into 1/10 प्लस ये क्या है 100th कॉलम है, मतलब कि 3 into 1/100, क्लियर है। पॉइंट के बाद बच्चों एक चीज देखिएगा, जो पहला डिजिट होता है उसे हम 10th बोलते हैं, सेकंड डिजिट का प्लेस बिल जो होता है वो 100th होता है, तो ये जो डेसिमल से पहले जो है वो आपके एज यूजुअल करते हैं टेंस, क्या आपके 100 tens 1s में आप कन्वर्ट करेंगे, लेकिन यहां पर जब करेंगे तो 1/10 1/100 हो जाएगी। अच्छा चलिए बिट 4 की तरफ बढ़ते हैं, बिट 4 में आपका क्या है, यहाँ पर 2.034। अच्छा यहाँ पर क्या है आपके, यहाँ पर तो 10th कॉलम है नहीं, 1 place ही है, 2 ones है, मतलब कि 2 into 1 हम लिख सकते हैं, 2 into 1 प्लस ये क्या है, यहाँ से 10th स्टार्ट होते हैं, मतलब कि 0 into 1/10 प्लस ये 3 है, तो हम 3 into 1/100 प्लस ये क्या कॉलम है, 1000 है, 1 0 डालते जाइए, ये 4 into 1/1000, ठीक है। एक बार और समझिए, ये हमारे डेसिमल से पहले जो है होल नंबर है, इसे हम होल पार्ट बोलते हैं, और डेसिमल के बाद जो रहता है उसे फ्रैक्शनल पार्ट बोलते हैं। तो जब भी एक्सपांडेड फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो होल पार्ट को एज यूजुअल हम जैसे करते हैं होल नंबर को ऐसे ही करेंगे, कितने टेंस हैं, कितने 100 है, कितने 1 से वो रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन पॉइंट के बाद वाले जब करेंगे तो ये 0 क्या 10th है, इसकी पोजिशन 0 क्या आपके
टेंथ है ये आपकी क्या, सॉरी ये आपकी टेंथ है, ये हंड्रेड है और ये थाउजेंड है। तो यहाँ पर हो जाएगा 0 × 1/10, 3 × 1/100, 4 × 1/1000। तो इस तरह से हमारा जो नंबर 5 तक था, एक्सरसाइज 2.5 का नंबर 5 तक हमने सॉल्व कर लिया है, और इसके आगे वाली क्लास में हम इसके आगे के नंबर देखेंगे, ताकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा तो हम यहीं पर क्या स्टॉप करते हैं, और उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में उसके आगे के नंबर देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच।